होती है, ठीक है। दूसरी हमारे पास है बिजनेस प्रेजेंटेशन, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब बिजनेस प्रेजेंटेशन में क्या होता है, आपका आइडिया पिक्चर हो गया, इसके अलावा आपके पास कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आप जो सेल्स और मार्केटिंग की जो प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं वो होती है, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात होगा, ये मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लेकिन अगर यहाँ पर आके आपको जो कश्मीर के हवाले से बात करूँगा सही है तो वो बहुत डिफरेंट कॉन्टेंट होगा।
तो कंटेंट की रेलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप स्टाइल यूज करें ठीक है, तो आप कहीं बड़े यही नहीं तो कहीं ग्राफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। अगर ये चल रहा हो तो मैं आपको बता दूँ कि ग्राफिक्स को हम बात बात क्या करते हैं। अच्छा मुझे ये पता है प्रेजेंटेशन बंदी कहाँ है। अच्छा पावर पॉइंट में कौन सा कलर आप चूज कर रहे हैं, अगर आप एकेडमिक कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा ड्यूसल की तरफ जाते हैं, डिसेंस की तरफ जाते हैं, एकेडमिया है तो बहुत ज़्यादा एलिगेंट की तरफ जाना है, बिजनेस है तो बहुत ज़्यादा सीरियस की तरफ जाना है, अगर बच्चों के लिए थोड़ा सा फनी और यू नो फनी रखना है, अगर यू नो हर थीम के हवाले से हर थीम की प्रेजेंटेशन बननी है। अच्छा ये हो गई आपकी, और इसके अलावा आपके पास है इंटरैक्टिव जो आपने ऑडियंस को रखना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग से बात बात करूँगा ठीक है। प्रेजेंटेशन में अगर आप अपनी ऑडियंस से बात नहीं करते हैं, अगर आप अपनी ऑडियंस को एंगेज नहीं रखते हैं तो वो प्रेजेंटेशन जो है आपकी उस चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। अच्छा इसके अलावा आपके पास है अगले बहुत अच्छे तरह से इन्फॉर्मेशन का, इन्फॉर्मेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैं आके अपने फैक्ट स्पीकर्स और बड़ी ही रिसर्च और रेफरेंसेस दे दूँ ठीक है। इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ की हो सकती है बट योर इन्फॉर्मेशन शुड बी यूनिक ठीक है। हजार प्रेजेंटेशन इंटरव्यू मिल जाएंगे बट व्हाट वैल्यू एडिशन यू आर ब्रिंगिंग टू योर प्रेजेंटेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये कंप्यूटर लाइव प्रेजेंटेशन, अब इसमें आती है बॉडी लैंग्वेज, यूज ऑफ वर्ड, अवतार, इंगेजिंग और सब कुछ बॉडी लैंग्वेज लेना। अच्छा अब आता है सर पॉइंट, हमने बात की थी बहुत के बाद दूसरा तो बड़ा डर कौन सा है, पब्लिक स्पीकिंग क्लोज अप हो गया ठीक है। और क्लोज अप की प्रेजेंटेशन में भी उसके लिए आपको सबसे पहले जो है ना अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत अलग कहाँ पर उसको कंपोज करना पड़ता है ठीक है। और आपको ग्लॉसेस को भी सबसे ज़्यादा फेयर करता है अपनी बॉडी लैंग्वेज को, आधे से ज़्यादा लोग जो है ना प्रेजेंटेशन बनाने में नहीं डरते थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंट करने में डरते हैं। तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको कर सकते हैं। मैं तो जब मुझे जब कोई भी स्टूडेंट की एंग्जाइटी होती है जब मुझे मेरे पास में स्टूडेंट लग जाते हैं तो मैं लगे उनकी सांसें यू नो इनहेल एक्सहेल, तो आपकी जो बॉडी है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है। आप ये कर सकते हैं, अगर कोई मीडिएट करता है तो मीडिएट कर सकता है ठीक है। उसके अलावा जो क्लास पढ़ते हैं उनका एक नाम सुकून मिला जाता है। मगर इस सब चीज़ों से इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप प्रिपरेशन यू नो तो प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूज ऑफ वर्ड्स की बात कर रहे थे तो हर अगेन थीम के हिसाब से उसकी यूज ऑफ वर्ड होता है। और लगातार अगेन अगर आज आपके पास काले कलर की शुरुआत में पहनते हैं जुम्मे के लिए मगर अगर मंडे को आता आपके पास तो मैं ये नहीं पहना हुआ होता। और अगर यहाँ पे मेरे सामने सीनियर से बैठे होते तो मैं ना सब कोट पैंट पहनता यू नो सो ये नेदर का शुड बी रेलेवेंट टू योर ऑडियंस। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक चीज को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को देने की बहुत ज्यादा देते हैं लेकिन अगर आप उसको कंक्लूड नहीं किया तो वो जो है आगे जो है क्वेश्चन आपकी नहीं है। अच्छा ये क्या हमें समझ आया कि सवाल से किसी का भी क्वेश्चन तो नहीं आप अगर कोई प्रेजेंटेशन बनाई हो उसमें एक कंपोनेंट से जिसको डिस्कस किया है उसमें अगर आपको कोई मसला आया तो मुझे बताएं। हमारे पास बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन जो है स्किल्स की करते हैं हमारे पास।
प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट, यू नो व्हाट इज प्रेजेंटेशन, इसके अलावा हमें बात की डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं, क्या आप सबको दिख रही है। अच्छा हमने बात की कंपोनेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन की, ये वो चीज जो हम बात कर रहे थे कंटेंट, ग्राफिक्स, टारगेट ऑडियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज हमने जिक्र की, मैं आपके सामने आके जो है बात कर लूं फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, दैट वुड बी हाईली इररिलेवेंट फॉर अस, सही। या अगर आप यू नो जो भी फील्ड है यहाँ पे, सही, इफ यू जस्ट गेट टू नो कि आपकी ऑडियंस है, अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं और अगर आप प्रोफेशन का कोई बात नहीं भाई साइकोलॉजी का कोर्स है या लोगों को क्यों थेरेपी सेशन देने चाहिए या ओसीडी क्या है, तो वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यू नीड टू माइंड द टारगेट ऑडियंस। अच्छा क्या हमें टारगेट ऑडियंस समझ आते हैं? और जब आप टारगेट ऑडियंस पता होती है ना, तो आप अपने कॉन्टेंट भी उसी हिसाब से बनाते हैं। आज मेरे कॉन्टेंट बहुत कैजुअल सा बना है, बहुत कॉमन सा कॉन्टेंट है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे सामने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनको मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन से मसला है, लेकिन अगर मेरे साथ में बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो मैं कुछ तरह की प्रेजेंटेशन कर दूँगा। तो नो योर ऑडियंस, सही, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और always prepare your answer prior. जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो अगर आप, मैं
आपने बात कैसे जवाब दें, मैं चैनल से बैंक हूँ, यू नो, तो हमेशा अपने सवालों के जवाब सबको लग रहा होगा ये सवाल आ सकता है, इसका आंसर पहले से आप प्रिपेयर करें, ये दूसरा है। तीसरा ये है अगेन वर्ल्ड बियॉन्ड पावर पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया पावर पॉइंट बहुत आगे, प्लीज स्टार्ट यूजिंग कैनवा, प्लीज स्टार्ट यूजिंग पीडीएफ स्लाइड, प्लीज स्टार्ट यूजिंग गूगल स्लाइड, और इसके अलावा मैं अपने चीफ ये है कि
आप आ जाओ, आ जाओ नहीं आप आ जाओ। Thank you.
कंबाइंड स्ट्रेंथ्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और उन्होंने जो है अपनी वीकनेसेस को आपस में दूसरे के स्ट्रेंथ के साथ मिला करके जो है उसको स्ट्रेंथ बना लिया अपनी वीकनेसेस को। तो बिकॉज माई जो असलियत की वीकनेस है कि ये कह रहे थे क्या माइक्रो एड्रेसिव है जबकि हमारे मेरे दोस्त जो बात है कि स्ट्रेंथ जो है वो ये है फ्रेंडली, तो इस तरह मैंने जो है कॉम्पनसेट किया। और भी हमारे पास जो नेक्स्टर है स्ट्रेंथ वो ये है कि ग्रुप कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ओवरऑल हमारे पास जो है वो फ्लेक्सीबिलिटी है, कॉन्फिडेंट है हम लोग स्पीकिंग में, और कुछ लोग नहीं है वो फिर ऑब्वियसली बाकी लोग जो है उसके जरिए जो है वो स्ट्रेंथ बना रहे हैं, उसको क्विक ग्राइंडिंग है, पीपल स्किल्स बहुत उसमें यानी लोगों से बातचीत जो है बहुत तरीके से कर रहे हैं। और हमारी जो वीकनेस है ओवरऑल वो ये है कि बहुत ज़्यादा जो है वो बुक है, बहुत ज़्यादा बुक है, थोड़ा सा इगोइस्टिक है और क्या कहते हैं माइक्रो एड्रेशन एक ही थी लेकिन आई गेस ओवरऑल जो है फिर शो एंड दैट्स इट। अच्छा जी थैंक यू सो वेरी मच। बस एक छोटा सा कंफ्यूजन ये कि इस सब करवाने का मकसद ये था कि आप लोगों में बोर नहीं था, आप लोगों को मुख्तलिफ तोड़ के फिर जोड़ने का मकसद ये था कि टीम में हो सके, यहाँ पे आके कुछ ना कुछ बनवाने का मकसद ये था कि एटलीस्ट आप लोग बोलें सही है, दूसरा ये कि आप लोग सुने सही है, अप्रिशिएट करें दूसरे को, थोड़ा सा आप लोगों को अंदाज हो जाए कि प्रेजेंट करते किस तरीके से, हम शायद बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल तक तो नहीं बात कर पाए बट स्टिल एटलीस्ट ट्राई। ठीक है तो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू जस्ट क्लैप फॉर योरसेल्फ।